चलिए सो क्वेश्चन नंबर वन में मैंने आपको बोला था ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएल अकाउंट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे तो ट्रेडिंग आई होप सो सबने बना लिया होगा yes. चलिए तो मेरे को आप ग्रॉस प्रॉफिट बताएंगे कितना आएगा बच्चों वट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दैट वी हैपन टू गेट है ट्रेडिंग का जीपी कितना आ रहा है हमारा नहीं आ रहा क्या जीपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा जीपी निकाला होगा लोगों ने कि सिर्फ बना के छोड़ दिया बस 86,610 सिक्स किस लाइन पे है लाइन नंबर क्या वन टू थ्री टू फाइव किस पे है, है? चलिए तो टू जी पी कैरेट डाउन कितना बोला एटी सिक्स हंड्रेड टेन एंड वॉट इज द टोटल कमिंग थ्री लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी तो आई होप सो सब ने जीपी निकाल लिया होगा चलिए तो बाय जीपी ब्रॉड डाउन भी आ गया एटी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड टेन करेक्ट अब इसके बाद चलते हैं पीएल बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में देख लेते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड है लिखने को और रिजर्व फॉर बैड डेट्स है और तो कुछ है नहीं तो बस क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड आप भी लिखिए मेरे साथ अकाउंट जरूर लिखिएगा बच्चे इतना पढ़ते पढ़ते अकाउंट लिखना भूल जाते हैं बेचारे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है डिस्काउंट रिसीव्ड टू नाइन एट जीरो फोर सिक्स जरूर लगाइएगा आफ्टर आपको नजर आएगा यहां पे वॉट इज कॉल्ड एज ऑन द क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी का आइटम है देर आफ्टर जो अपना डिस्काउंट रिसीव के बाद लोन है वो भी लाइबिलिटी का ही आइटम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके चलो भाई आगे चलते हैं डेबिट साइड पे देखते हैं क्या है लिखने लायक हमारे पास डेबिट साइड पे चल रहे हैं हमारे पास डिस्काउंट uh, अलाउड है बट एक बार चेक कर लें इसका कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है नहीं इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो हम डिस्काउंट अलाउड ऑन द डेबिट साइड लिख देते हैं ठीक है तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड व्हाट्स द वैल्यू गिवन थ्री नाइन सिक्स जीरो चलिए गुड

Carriage, चुके हैं, ट्रेडिंग में रेंट एंड टैक्सेस इसका कोई एडजस्टमेंट है चलन कोई भी एडजस्टमेंट है इसका हाँ रेंट आउट स्टैंडिंग आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर यही ट्रिक है सा सही करने का, के अंदर से आपने एक आइटम उठाया चेक एट आउट इट है वेल एंड गुड अकॉर्डिंगली लिखेंगे नहीं दिया तो सीधे सीधे आप लिख दीजिए तो रेंट एंड टैक्सेस की वैल्यू है सेवन सिक्स एट जीरो सो वील बी पुटिंग रेंट एंड टैक्सेस सेवन सिक्स एट जीरो एंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है एड आउटस्टैंडिंग तो आउटस्टैंडिंग रेंट की जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज हंड्रेड एंड फिफ्टी तो ये कितना हो जाएगा चलिए इसके बाद देख लेते हैं और हमारे पास क्या है जनरल uh, एक्सपेंस है चिल्ड्रन जनरल एक्सपेंस का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो थ्री सिक्स थ्री जीरो वैल्यू है शायद तो एज इट इज लिख दीजिए टू जनरल एक्सपेंस तो एडजस्टमेंट करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में जाएगा बुक डेट्स आएगा नहीं बैड डेट्स की कहानी बैड डेट्स का एडजस्टमेंट है बच्चों हमारे पास और बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है सो वील बी पुटिंग टू बैड डेट्स कितनी वैल्यू वैल्यू दी है ट्रायल बैलेंस के अंदर द हाउ मच और आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा कि क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जरूर टिक करिएगा फर्स्ट टाइम जब भी आपको ये एडजस्टमेंट लिखे चिल्ड्रेन प्लेस अ टिक मार्क सेकेंड टाइम जब लिखें तो उसको क्रॉस कर लें तो इससे ये हो जाएगा कि आपने इसका डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट कर लिया डेटर्स पे टेन परसेंट है तो एट टू सेवन फोर आप ऐड कर देंगे इन द नेम ऑफ व्हाट न्यू प्रोविजन एट टू सेवन फोर रिजर्व हमने क्रेडिट साइड में लेस कर दिया और अगर आप लेस नहीं करना चाहते हैं तो आप डेबिट में इसको माइनस भी कर सकते हैं तो यह आ जाएगा four, five and seven इज twelve कैरी one, five and eight one nine, nine five two four चिल्ड्रेन एंड then हमारे पास है इंश्योरेंस और इसका एडजस्टमेंट है क्या के लिए भाई, माइनस कर देंगे प्रीपेड What इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस given इन ट्रायल बैलेंस चलो इंश्योरेंस की वैल्यू क्या है ट्रायल बैलेंस में सेवन फिफ्टी प्रीपेड माइनस करना है तो ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको क्या आएगी वैल्यू सेवन हंड्रेड तो आई होप सो वी हैव ट्रीटेड ऑल द एडजस्टमेंट्स कोई भी एडजस्टमेंट बचा नहीं है एक बचा है व्हाट इज दैट अब बताइए क्या इंटरेस्ट ऑन लोन एज एन एक्सपेंस आपके ट्रायल बैलेंस में कहीं अपीयर कर रहा है कहीं नहीं है ना बट लोन की वैल्यू तो है तो पंद्रह हजार का सिक्स परसेंट कितना होता है चिल्ड्रन नाइन हंड्रेड तो अब इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में तो था नहीं बट आप कैसे लिखेंगे इसको टू इंटरेस्ट ऑन लोन पुट अ डैश बिकॉज वैल्यू नहीं दी हुई है एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नाइन हंड्रेड तो आउटर कॉलम में वैल्यू कितनी आ जाएगी नाइन हंड्रेड लोन लिख दीजिए जो कि एकदम ही गलत है बिकॉज ये एडजस्टमेंट है तो इट शुड बी रिटर्न लाइक एन एडजस्टमेंट अगर आप डायरेक्टली लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आंसर तो शायद आपका आ जाएगा बट अगेन फुल डिस्कलोजर प्रिंसिपल बुरा मान जाएगा

So then it's 54,176, if I'm not wrong. Or is what is said as net profit and it will be transferred to capital account. So, logon ko, I hope so. Aage, how do we prepare a profit and loss account when adjustments are there? Got it? Chalun? आफ्टर पी एल लेट्स प्रोसीड ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ वॉट चिल्ड्रन बैलेंस शीट वैसे तो बैलेंस शीट में एक तरीका है हैसेट्स और लाइबिलिटीज को सीक्वेंस में अरेंज करने का बट प्रेजेंटली पीपल आर न्यू टू द कॉल्ड अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स बट सो कॉल चार पांच क्वेश्चन के बाद जरा इस तरीके को फॉलो करिएगा नहीं तो क्लास ट्वेल्थ में टाइम टाइम फेस हो जाएगी बैंड बच जाएगी क्योंकि तो वहां कंपनी की बैलेंस शीट एक सीक्वेंस में ही बनानी पड़ती है चलिए लाइबिलिटीज से स्टार्ट करते हैं कैपिटल दिया हुआ है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड उसमें से ड्राॅइंग्स माइनस कर देंगे

कुछ बच्चे कहते हैं सर लोन में इंटरेस्ट ऐड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कर भी सकते हैं और ट्रिक ये है पहले ट्रायल बैलेंस से चीजों को लिख लिया जाए तो कैपिटल भी एवरेटन लोन भी एवरेटन फिफ्टीन थाउजेंड सेल्स ऑलरेडी ट्रेडिंग में हो चुका है क्रेडिटर्स एटीन सिक्स सेवेंटी जिसका एडजस्टमेंट होगा वो एडजस्टमेंट के साथ जाएगा तो इट इज क्रेडिटर्स एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी ठीक सोरी बातें by the time people are onto this one lakh fifty thousand plus five four one seven six minus sixty three hundred. It's one nine seven eight seven six. बात समझ में आ गई चलो बात समझ में आ गई चलिए और तो कुछ अभी है नहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर यहां लिखने लायक डेबिट बैलेंस में देख लेते हैं ड्राइंग्स हो गया Now we'll be putting cash at bank. What is the value given for cash at bank? 13.870. 870. Very good. After this, we have what is called as bill receivable 1860. And land and building ki value 42.580. 42. 2580 इज लैंड एंड बिल्डिंग वेरी गुड उसके बाद फर्नीचर 5130 टिक जरूर करिएगा बच्चों सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही है इस चैप्टर में टिक करेंगे तो इससे ये क्लियर हो जाएगा दैट यू हैव कंसीडर्ड ईच एंड एवरी आइटम हर ट्रायल बैलेंस का आइटम टिक होना चाहिए एडजस्टमेंट का पहली बार टिक होगा दूसरी बार क्रॉस होगा फर्नीचर कितना है 5 130 उसके बाद परचेज हो चुका है स्टॉक सेल रिटर्न कैरे जैसे प्लांट एंड मशीनरी कोई डेप्रिसिएशन तो था नहीं थ्री वन सिक्स फोर जीरो प्लांट एंड मशीनरी कितना था थ्री वन सिक्स फोर जीरो और देर आफ्टर वी हैव बुक डेट्स वॉट इट वॉज एट्टी टू सेवन फोर्टी और इसमें लेस करेंगे न्यू प्रोविजन एट टू सेवन फोर अब देखिए आपने book पे टिक लगाना है और इस पे लगाना है ट्रिक समझ में आ रही है नहीं तो नाइनटी नाइन परसेंट गारंटी है कि आपका आंसर जीवन में मैच करेगा ही नहीं आप कुछ ना कुछ भूल जाएंगे बेसिकली बस और तो हो गया ट्रायल बैलेंस शीट में किस साइड पे जाएगा एसेट साइड पे लेट्स राइट क्लोजिंग स्टॉक क्या वैल्यू है द वैल्यू फॉर क्लोजिंग स्टॉक सेवेंटी थाउजेंड वेरी गुड उसके बाद देखते हैं और एडजस्टमेंट में क्या है चिल्ड्रन रेंट आउटस्टैंडिंग विथ साइड विल इट बी गोइंग लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट हंड्रेड एंड फिफ्टी देन वी हैव एडजस्टमेंट फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस किस साइड पे जाएगा बच्चों एसेट साइड लिख दीजिए इंश्योरेंस प्रीपेड हाउ मच कितना था प्रीपेड इंश्योरेंस फिफ्टी क्रॉस जरूर करिएगा फिर फिफ्थ एडजस्टमेंट हमने एक बार तो पीएल में लिख दिया डेबिट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन वाज व्हाट नाइन हंड्रेड

सेवेंटी देर आफ्टर वन फिफ्टी एंड नाइन हंड्रेड तो दिस इज कमिंग टू थ्री टू फाइव नाइन सिक्स असेट का टोटल देख लेते हैं पहले डेटस देख लेते हैं एटी टू सेवन फोर्टी माइनस एट टू सेवन फोर एट सेवनटी फोर फोर सिक्सटी सिक्स टोटल करना स्टार्ट करते हैं थर्टीन एट सेवेंटी कैश 1860 was the amount of bills receivable, 42,580 is uh, land and building, 5130 is furniture, plant and machinery, 31640, 74466 is uh, book debts minus provision, closing stock is uh, 70,000 and 50 rupee is your prepaid insurance. Quarterly.

यहीं पे गड़बड़ी हुई है आंसर जो यहां वन नाइन सेवन लिखा था चलिए टू जीरो फोर एट सेवन सिक्स नाउ इट इज कमिंग टू थ्री नाइन अब आ गया सो आई होप सो everybody understood how a trading and pl with balance sheet is prepared when adjustments are given kisi ko koi query koi doubt samajh gaye sab log chalo understood well chaliye question number 2 yahan pe bhi aapne trading account banaya tha shayad और मैंने कहा था पहला adjustment आप account for कर लीजिएगा बाकी हम साथ साथ करेंगे ठीक है आपका gp कितना आ रहा है could people willing to answer me out gp की amount कितनी है चलो जीपी कैलकुलेट किया है लाइन नंबर कौन सा है ठीक है चलिए टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन हाउ मच फोर फोर्टी फाइव चलो भाई एंड व्हाट इज द टोटल कमिंग फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट वन जीरो फोर नाइन डबल जीरो चलिए कर्ट सी में स्तान्या 48445 तो जीपी डाउन आ जाएगा अब चलते हैं पीएल बनाते हैं मैं क्रेडिट को इसलिए कम होते हैं सो रेंट है चिल्ड्रन ऑन द क्रेडिट साइड यहां लिखने लाइक सेल्स और रिटर्न आउटवर्ड आप लिख चुके हैं ऑलरेडी क्रेडिटर्स कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा रेंट का देख लेते हैं कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं यस एफ एडजस्टमेंट है रेंट रिसीवेबल मतलब अक्रूड हो गया चिल्ड्रन रेंट रिसीवेबल मतलब अक्रूड हो गया तो आप बाय रेंट लिख देंगे हाउ मच नाइन थाउजेंड और एड आप रिसीवेबल भी लिख सकते हैं और अक्रूड भी लिख सकते हैं स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे इधर राइट एड रिसीवेबल और राइट एड अक्रूड बोथ आर करेक्ट कितना है ये वन थाउजेंड एंड द वैल्यू इज टेन थाउजेंड चलिए बस और तो क्रेडिट साइड में कुछ है नहीं हमारे पास लिखने को डेबिट में चलते हैं वी हैव ऑलरेडी रिटर्न परचेज रिटर्न ओपनिंग स्टॉक हो चुका होगा कैरेज ऑन सेल थर्टी टू हंड्रेड लिखना है और कोई एडजस्टमेंट इसका है नहीं है अब आप बोलेंगे सर इतनी जल्दी आपको कैसे पता लग गया द रीजन इज नॉट दिस की ये क्वेश्चन बैंक मैंने ड्राफ्ट किया इसलिए मेरे को पता है द रीजन इज की आपको ही पता है किस किस चीज का एडजस्टमेंट आ सकता है किसका इसका नहीं आ सकता कैरेज ऑन सेल भाई ट्रॉली वाला गुड्स लेके आया वी पेड हिम द नेसेसरी अमाउंट ऑफ सो कॉल भाड़ा इन हिंदी एंड दैट्स एडजस्टमेंट किस बात का ठीक है रेंट का एडजस्टमेंट कैसे होगा हमने अपने टेनेंट से बोला होगा भाई हर महीने के एंड में किराया दे देना टेनेंट कह रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च हो गया आज थोड़ी मंदी चल रही है कल पैसे ले लीजिएगा हमने टेनेंट्स का ठीक है हम कल आ जाएंगे नो प्रॉब्लम ओके चलिए तो सो कॉल बिल्डिंग अभी आएगा नहीं फ्री होल्ड आएगा नहीं लैंड मशीनरी आएगा नहीं सैलरी आएगा सैलरी में एडजस्टमेंट जनरली होता है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज़ आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं बच्चों आउटस्टैंडिंग को हम एड करते हैं तो वील बी पुटिंग टू सैलरीज फिफ्टीन थाउजेंड अकाउंट जरूर लिखिएगा आउटस्टैंडिंग हाउ मच फिफ्टीन हंड्रेड तो वील गेट मच सिक्सटीन फाइव हंड्रेड ठीक उसके बाद पेटेंट तो असेट है जेनरल एक्सपेंस यहां पे अब जनरल एक्सपेंस थ्री थाउजेंड है बस इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है तो हम एज इट इज जनरल एक्सपेंस लिख देते हैं तीन हजार जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट थ्री थाउजेंड उसके बाद इंश्योरेंस इसका एडजस्टमेंट दिया चलन वही वाला वन सेवेंटी तो सिक्स हंड्रेड रुपीज में दो पॉलिसीज है हमारे पास एक तो फोर थर्टी वाली और एक वन सेवेंटी वाली 170 वाली ऐसी है जो खत्म हो रही है 30th सितंबर को और हमारा ट्रायल बैलेंस कब का है चिल्ड्रन 31 मार्च का तो ये 12 मंथ्स का है मार्च से सितंबर कितने महीने होते हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर हाउ मेनी मंथ्स सिक्स मंथ्स तो चलन चिल्ड्रन ₹85 विल बी द अमाउंट ऑफ प्रीपेड तो आप इंश्योरेंस लिखेंगे कितनी वैल्यू दी हुई है ट्रायल बैलेंस में सिक्स हंड्रेड लेस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज एटी फाइव स्टूडेंट माइट से सर आपने तो ऊपर फोर थर्टी अलग कर दिया था वो आपको समझाने के लिए किया था मैंने कि फोर थर्टी अप्रिल टू मार्च का ही है बाकी का जो वन सेवेंटी है वो उस पॉलिसी का है विच एक्सपायर्स वेन चिल्ड्रन चलना which when? 30th तो ये आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है उसके बाद डेप्रीसिएशन so का एडजस्टमेंट है और डेट्स का तो पहले डेप्रीसिएशन एडजस्ट कर लेते हैं टू we'll डेप्रीसिएशन किस पे किस पे है डेप्रीसिएशन चिल्ड्रन मशीनरी पे है एंड पेटेंट्स पे है मशीनरी पे कितने परसेंट है टेन परसेंट और पेटेंट्स पे कितने परसेंट है ट्वेंटी परसेंट तो मशीनरी पे टेन परसेंट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड टू थाउजेंड एंड पेटेंट्स पे कितने परसेंट है ट्वेंटी परसेंट फिफ्टीन हंड्रेड टू थाउजेंड ऑन मशीनरी एंड फिफ्टीन हंड्रेड ऑन पेटेंट टोटल बैडेट और पांच परसेंट का प्रोविजन है तो पांच परसेंट आप कैसे निकालेंगे आपको पता है पहले आप चल रहे में माइनस कर लेंगे सेवन ट्वेंटी फाइव तो फोर्टीन फाइव हंड्रेड में सेवन ट्वेंटी फाइव माइनस करेंगे जब आप तो आपकी जो वैल्यू आएगी

अरे एडजस्टमेंट्स आप लोग को लीड नहीं किए क्या ट्रायल बैलेंस में भाई मैथ्स इतनी स्ट्रॉग होनी चाहिए धड़ाधड़ दाड़ वाली नहीं तो पेपर छूट जाएगा आपका इसीलिए कहता हूँ अगर मैथ्स कमजोर है तो गो फॉर पीसीएम क्योंकि वहां पर अर्थमेटिक नहीं सिखाई जाती इलेवन टाइजेड वाली पूरी और गो फॉर ह्यूमैनिटीज कॉमर्स मतलब एकदम चालू छापड़ आदमी भाई गंजे को कंगी बेचने वाला तो जब भी कोई पेरेंट मेरे से पूछता भाई कॉमर्स दिला दे अपने बच्चे को मैंने कहा आपको बच्चा इतना स्मार्ट है जो गंजे को कंगी बेच पाए तो इतना चतुर चतुर्लिंगम अगर है तो कॉमर्स दिलवाइए क्योंकि कॉमर्स इंटेलिजेंट और जीनियस बच्चे नहीं पढ़ जाते उसके लिए चालाक बच्चा होना चाहिए बहुत मतलब कनिंग फॉक्स टाइप तो बैड डेट्स दिया ट्रायल बैलेंस के अंदर चलन एक बार ट्रायल बैलेंस देखें तो पूरा आत्मा के अंदर चला जाए इज बैड डेट्स गिवन टू अस इन द ट्रायल बैलेंस बैड डेट्स दिया ट्रायल बैलेंस भाई नहीं दिया तो ठीक है टू बैड डेट्स डैश लगा दीजिए एड फेसबुक की दुकान नहीं है एफडीबी फर्दर बैड डेट्स

ट लगा लीजिए इसको तो वी हैव डन ऑल द एडजस्टमेंट्स टिक जरूर लगाइएगा बस और तो कुछ है नहीं तो देखते हैं अपने नेट प्रॉफिट की जर्नी क्या बोलती है फोर्टी एट फोर फोर्टी फाइव प्लस टेन थाउजेंड ये आ रहा है फिफ्टी एट थाउजेंड फोर फोर्टी फाइव टोटल उसमें से माइनस करेंगे आप थर्टी टू हंड्रेड Sixteen five hundred three thousand five one five thirty five hundred and one four one four thirty thousand three hundred and sixteen is the amount of net profit which is transferred where to capital account. So bangia Hamara, what is called as प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आ रही बात आफ्टर पीएल वॉट डू बी प्रिपेयर चिलन बैलेंस शीट तो पीएल में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क चीबी एनी प्रॉब्लम एन पी एल प्लीज आस्क्योरेंस वाला इंश्योरेंस वाला यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है वन सेवेंटी की जो थर्टीत सितंबर को एक्सपायर कर रही है मतलब ये जो वन सेवेंटी आपने प्रीमियम दिया हुआ है ये प्रीमियम है फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड सिक्सटीन से लेकर थर्टीत सितंबर टू थाउजेंड सेवनटीन तक का और हमारा ईयर जो चल रहा है वो है फर्स्ट अप्रैल सिक्सटीन से थर्टी फर्स्ट मार्च सेवनटीन तक का तो हमारा ईयर तो मार्च में खत्म हो जाएगा बट पॉलिसी आगे सेप्टेंबर तक चलेगी तो मार्च के बाद से अप्रैल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर छ महीने का प्रीपेड है तो 170 आपने इन 12 महीनों के लिए पे किया है तो एक महीने का प्रीमियम 170 सेवेंटी अपॉन ट्वेल्व हो गया मार्च के बाद छह महीने का प्रीपेड है तो एट्टी फाइव रुपीज प्रीपेड हो गया जब रेगुलरली क्लास नहीं करेंगे तो यही सब प्रॉब्लम्स आएंगी ये आखिरी क्लास में तो पढ़ाया गया था अभी इंश्योरेंस प्रीमियम वाला और बताया था कि प्रीपेड कैलकुलेट करने का एक तरीका है तो जो लोग ये सोच रहे थे कि एडजस्टमेंट में सर टाइम पास कर रहे हैं तो कौन टाइम पास कर रहा था पता लग गया है गॉट इट क्लियर चलिए बी क्विक बी क्विक बी क्विक अब इसके बाद बनानी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बैलेंस शीट बैलेंस शीट में भी लाइब्रिलिटी से स्टार्ट करते हैं कैपिटल है सिक्सटी टू थाउजेंड का और इसमें एडजस्टमेंट के नाम पे आपके पास ड्रॉइंग्स है और नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे थर्टी थाउजेंड थ्री वन सिक्स और ड्राइंग्स को क्या करेंगे सब क्या ड्राइंग्स दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में yes. कितना दिया हुआ है एक तो टिक लगाने से एक और फायदा है कि जो आइटम अब कंसिडर करने वही नजर आते हैं टिक वाले तो पता है ऑलरेडी डन है फाइव टू फोर फाइव माइनस कर देते हैं फाइव क्या वैल्यू आएगी वेरी क्विकली लेट सी सिक्सटी टू थाउजेंड प्लस थर्टी थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटीन माइनस फाइव टू फोर फाइव इट्स एट सेवन जीरो हमारे पास क्रेटर्स है क्या वैल्यू है क्रेटर्स की सिक्सटी थ्री हंड्रेड सन्ड्री क्रेटर्स है तो आप भी संड्री वर्ड यूज कर लीजिए डोंट राइट ओनली क्रेटर्स ठीक देर आफ्टर हमारे पास और कुछ क्रेडिट में तो लिखने लायक है नहीं डेबिट में कैश इन हैंड कैश एट बैंक का जनरली एडजस्टमेंट होता नहीं है एंड इट इज ऑल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस चिल्ड्रेन जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपको क्लियर हो जाएगा किस आइटम का एडजस्टमेंट है और किसका एडजस्टमेंट नहीं है वॉट इज द वैल्यू ऑफ कैश इन हैंड गिवेन इन ट्रायल बैलेंस और कैश बैंक कितना दिया हुआ है चलिए फाइव हंड्रेड फोर्टी एंड टू सिक्स थ्री जीरो उसके बाद हमारे पास ये सब तो लिखा जा चुका है बिल्डिंग कोई एडजस्टमेंट था चलन नो फ्री होल्ड का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं मशीनरी पे डेप्रिसिएशन था तो इन चीजों चीजें लिख लेते हैं हम बिल्डिंग की वैल्यू क्या दी हुई है थर्टी टू थाउजेंड फ्री होल्ड क्या लिखा हुआ है लैंड मैंने आपको फ्री होल्ड वर्ड का मीनिंग बताया हुआ है कि आप किसी को भी सेल करने का राइट right रखते हैं लीज होल्ड मतलब सरकारी जमीन है लॉन्ग टाइम के लिए आपने रेंट पे ली है यूज कर सकते हैं जिस बात की परमिशन आपको मिली है बट बेच सकते। नहीं सकते इट क्लियर तो फ्री होल्ड लैंड कितना है टेन थाउजेंड एंड मशीनरी कितने की थी चलन हाउ मच ट्वेंटी थाउजेंड और इस पर डेप्रीसिएशन क्या था टू थाउजेंड वैल्यू वुड बी वॉट एटीन थाउजेंड छापना नहीं है सिर्फ सोल्व करना है तो मशीनरी का जो एडजस्टमेंट है क्रॉस कर लीजिए सैलरी हो गया पेटेंट पे भी डेप्रिसिएशन है चलो ट्वेंटी परसेंट तो पेटेंट कितने के हैं हमारे पास सेवेंटी फाइव हंड्रेड के लेस डेशन हाउ मच फिफ्टीन हंड्रेड तो आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा सिक्स थाउजेंड उसके बाद so called, बस और तो यहां कुछ नजर आ रहा है सब टिक हो चुका है डेटर्स बचे चिल्ड्रेन और इस पे क्रॉस कर लीजिए ई एडजस्टमेंट अपना क्योंकि वो उससे रिलेटेड है कितने के डेटर्स नजर आ रहे थे ट्रायल बैलेंस में आपको Fourteen five hundred less what was further bad debts? Seven twenty five and less what was new provision? Six eighty nine. So fourteen five hundred minus seven twenty five minus six eighty nine. It's thirteen zero eight six. बस और तो कुछ है नहीं ट्रायल बैलेंस पूरा डेयर कर लिया हमने नथिंग न्यू एडजस्टमेंट चिल्ड्रेन क्लोजिंग स्टॉक पे क्रॉस करना है एंड कहां पे लिखेंगे बैलेंस शीट में इसको साइड एम नॉट रॉन्ग देन वी हैव वॉट इसके बाद मशीनरी डेप्रिसिएशन हो गया सैलरी आउटस्टैंडिंग कहां अपियर करेगा चिल्ड्रन सैलरी आउटस्टैंडिंग विल अपियर वेयर सेट और लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड सैलरी फिफ्टीन हंड्रेड था और उसके बाद था इंश्योरेंस प्रीपेड एटी फाइव प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया बैड डेट्स हो गया रेंट अक्रूड चल रहे हैं, असेट और लाइबिलिटीट असेट वेरी गुड रेंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं अक्रूट भी लिख सकते हैं ऑल? चलिए टोटलिंग पे ध्यान देते हैं आप इट्स एट सेवन जीरो हंड्रेड प्लस फिफ्टीन हंड्रेड इट्स नाइन्टी फोर एट सेवेंटी वन लेट्स सी यहाँ पे कितना आ रहा है फाइव फोर्टी कैश बैलेंस प्लस टू सिक्स थ्री जीरो प्लस टेन थाउजेंड प्लस एटीन थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड प्लस थर्टीन जीरो एट सिक्स प्लस सिक्सटी एट हंड्रेड प्लस एटी फाइव प्लस वन थाउजेंड ये तो टोटल फिर डाली नहीं कर रहा है ये टोटल को क्या हो जा रहा है बार बार भाई हम कुछ भूल तो नहीं गए कुछ भूल तो नहीं गए भाई अरे बत्तीस हजार रुपये बिल्डिंग का भी तो लिखना है चलिए आ जाएगा टोटल इसका डू द टोटल क्विकली चल रहा चलिए चलें जी पी गलत बताया गया था गुमराह करने की कोशिश थी लोगों की बट सही समय पे ज्ञान आ गया फोर्टी थ्री सेवन वन फाइव और पहले कितना लिखा था हमने फोर सेवन थ्री जीरो ना यही डिफरेंस आ रहा है हमारा चलिए अब आ जाएगा चलो सही कर लीजिए पहले तो फोर्टी थ्री सेवन वन फाइव प्लस टेन थाउजेंड फिफ्टी थ्री सेवन वन फाइव आएगा टोटल अपना फिफ्टी थ्री सेवन वन फाइव चलिए इसको भी ठीक कर लीजिए फिफ्टी थ्री सेवन वन फाइव सही कर लो इसको चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रेन अब माइनस प्लस करते हैं देखते हैं क्या आएगा फिफ्टी थ्री सेवन वन फाइव माइनस थर्टी टू हंड्रेड माइनस सिक्सटीन फाइव हंड्रेड माइनस थ्री थाउजेंड माइनस फाइव वन फाइव माइनस थर्टी फाइव हंड्रेड माइनस वन फोर वन फोर टू फाइव फाइव एट सिक्स पहले क्या लिखा था हम लोग ने वही फोर सेवन थ्री जीरो का डिफरेंस शुरू से चला आ रहा है चलिए सही करिए इसको इट इज ट्वेंटी फाइव फाइव एटी सिक्स प्लस सिक्सटी टू थाउजेंड माइनस फाइव टू फोर फाइव खैर इससे एक चीज और पता लग गई कि बाकी लोगों ने सवाल सॉल्व नहीं किया है चलिए नालायकों की भी गिनती हो गई कम से कम अच्छा है वो पढ़ने वालों के लिए कंपटीशन कम कर रहे हैं <coughs>

प्लस सिक्सटी एट हंड्रेड प्लस एटी फाइव प्लस वन थाउजेंड इट्स मैचिंग नाइन्टी थाउजेंड वन फोर्टी वन मैंने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का इसका मतलब ये नहीं कि बस ट्रेडिंग बना लिया जीपी नहीं निकाला और फिर बाद में बच्चे कहेंगे सर मार्क्स नहीं आते हमारे एग्जाम में जब पढ़ेंगे नहीं तो नंबर कहाँ से कोई खैरात तो बढ़ नहीं रही है कुछ लोग तो अपने आप को मेले के बिगारी की तरह समझ लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को कि कहीं से खैरात आ जाएगी चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट खुद बना के सॉल्व करेंगे हो सकता है लोगों ने किया होगा खैर तो अगला होमवर्क नोट कर ले लो क्वेश्चन नंबर हैव टू बी डन इन फुल सबको समझ आ कैसे करना है फोर आप पूरा कंप्लीट करेंगे फिफ्थ पूरा कंप्लीट करेंगे आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट सब चाहिए ये मत बोलिएगा सर ट्रेडिंग का आंसर नहीं है आंसर मैंने जान पूछते हैं लिखे भी नहीं है तो आपको पूरा बनाना है और पूरा जीपीएनपी बैलेंस शीट सब कैलकुलेट करेंगे टोटल देन क्वेश्चन नंबर सिक्स टू बी डन क्वेश्चन नंबर सेवन इज टू बी डन एट करेंगे नाइन्थ इन होमवर्क फॉलोड बाय टेंथ टेंथ के बाद इलेवेंथ इलेवेंथ के बाद ट्वेल्थ फॉलोड बाय थर्टींथ फॉलोड बाय फोर्टींथ समझ में आ गया सो so, ये ट्वेल्व क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर लेने हैं अगली क्लास में दैट इज टुमारो मैं सारे एडजस्टमेंट्स एक एक करके इसमें टेकअप करूंगा आपने कैसे इसको रिकॉर्ड किया है तो पूरा ट्रेडिंग पीएल आपका बन जाना चाहिए लॉजिक समझ में आ गया अगर आपको ट्वेल्थ क्लास में नब्बे सौ लाना है तो नहीं लाना तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है बहुत बच्चे फेल होते हैं और थर्ड डिवीजन पास होते हैं तो वो भी आ सकते हैं कोई ऐसी बात नहीं है <clears throat> चलिए तो आई होप सो एवरीबडी अंडरस्टूड कैसे एडजस्टमेंट्स को रिकॉर्ड करना है चलन समझ में आ गया चलिए